हेलो बच्चों, चौनी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 4 के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स खंड आ हिंदी 2022-23 लर्निंग आउटकम्स H-303-H-304 में दी गई कविता के अंतर्गत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। इस H-330 में सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, राय बताते हैं, अपने तरीके से कहानी, कविता आदि अपनी भाषा से व्यक्त करते हैं। इसके बाद इसमें 304 में आसपास होने वाली गतिविधियों, घटनाओं और विभिन्न स्थितियों में हुए अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं, बच्चों से जो है चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री देखेंगे हम बच्चों। इसमें कविता है जिसमें दी गई है कि पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारो जैसा, पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टाफी जैसा, पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारो जैसा, डाल पकड़कर उसे हिलाएं टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारो जैसा, धूप लगे तो छांव में बैठें माँ के आंचल जैसा, पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारो जैसा। ये थी कविता। इसी के अंतर्गत अभ्यास देखेंगे हम बच्चों। देखें कि अभ्यास एक में क्या है कि कविता सुनकर कविता से संबंधित 3 प्रश्न लिखिए। अब कौन से प्रश्न है देखिए। प्रश्न क्रमांक 1, पेड़ों का क्या उपयोग है। ये हमारे दिमाग में बात आती कि पेड़ किस लिए होते हैं, क्या है तो पेड़ का क्या उपयोग है, ऐसे हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। फिर प्रश्न 2, पेड़ कैसे लगाते हैं, पेड़ को कैसे लगाते हैं, ये भी प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाता है। फिर प्रश्न 3, पेड़ के क्या क्या फायदे होते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नों को और भी ज़्यादा बना सकते हैं। बा जो है बा में देखेंगे बच्चों, हम आपस में चर्चा करेंगे। चर्चा करते हुए कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता की तारों, बिस्किट, ताफी, पैसा, दो पंक्तियों को लिखेंगे। झिलमिल चितारों जैसा तारों का स्वाद है जिसका बिस्किट होते हैं, जिसका झूला टाफी जैसा होता है जिसमें बैठे तो धूप लगती है, फल बेचो तो पैसा देगा। तो इस प्रकार से हम कविता को इन शब्दों में आकर के प्रयोग कर सकते हैं। फिर सा है, पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टाफी जैसा, तो पेड़ हिलाने पर पैसे कैसे टपक रहे हैं, छात्र अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पेड़ हिलाने पर पत्ते ऐसे टपक रहे हैं जैसे पैसे टप टप करके बरस रहे हैं। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न 2, उपयुक्त कविता को अपनी भाषा में लिखिए। तो वृक्ष लगाओ ऐसा, चांद सितारों जैसा, पत्ते जिसके रेशम जैसे, फल हो लड्डू जैसे। इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। अभ्यास 2 में देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 1, अगर पेड़ों से पैसे टपकते होते तो आप उन पैसों को क्या करते। अगर पेड़ों से पैसे टपकते होते तो हम उन पैसों का उपयोग समाज कल्याण के कार्य में लगाते एवं बच्चों को शिक्षा दिलाने में भरपूर सहयोग करते। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। प्रश्न 2 है, 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो आम, जामुन, अनार, अमरूद, सेब, अंगूर आदि, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए, इसमें आपको कौन सी चॉकलेट या बिस्कुट पसंद है, कोई 3 नाम लिखिए। तो मेलोडी, डेरी मिल्क, 5 स्टार, कोकोनट, पार्ले जी, मेरी गोल्ड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, पेड़ के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, पेड़, तना, वृक्ष। प्रश्न 5, किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के को कोमल धागे में बहना की प्रीति भरी। इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद यह जो हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है यह समाप्त हो जाता है। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली अभ्यास वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।